तो वेलकम बैक टू क्रिकेट मेज आज मेरे पास काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग न्यूज़ एंड अपडेट्स है तो आप लोग वीडियो को का तक जरूर देखेगा जैसे कि मैं आपको बता दूँ कि दो तीन प्लेयर जो है उनकी आई पी एल की ऑप्शन वापसी हो, हो चुकी है पहले उनका नाम निकाल लगा था वापसी हो चुके हैं तो उनका मैं बताने वाला हूँ इसके अलावा आर सी बी की टीम की तरफ से आज बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के वो आपको बताऊँगा चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से अपडेट है डेली कैपिटल्स की तरफ से अपडेट है ऑप्शन में कुछ नए रूल्स लागू लागू हैं वो भी आपको बताने वाले और भी काफ़ी सारे अपडेट्स हैं तो अगर आप लोग को आई पी एल से रिलेटेड हर एक अपडेट जाननी हो तो आपको वीडियो का इंटक देखना ही पड़ेगा उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं करें फराबर से वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर, कर आइकन को उसे दबा लीजिएगा इसी के साथ साथ अगर आपको हंड्रेड परसेंट के साथ किसी भी मैच की प्रेडिक्शन जाननी हो तो आप लोग पीडीगेटे डॉट कॉम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इनकी टेलीग्राम और वेबसाइट दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और सबसे पहले अपडेट की बात करते हैं जो आ रही है बी सी सी आई की तरफ से दरअसल कल मैंने आपको बताया था कि जो ईशान किशन थे उनके साथ जो सिक्स और क्रिकेटर्स थे उन पर बी सी सी आई ने एक न्यू टेस्ट लगाया था लेकिन ये छः के छः प्लेयर फेल हो गए थे टू किलोमीटर का रन टेस्ट था जहाँ पर अभी की अपडेट ये कि जो ईशान किशन है और जो सिद्धार्थ कॉल और जयदेव नाटकट हैं ये तीनों के तीनों प्लेयर जो है वो टू किलोमीटर के जो रन का टेस्ट है उसको पास कर चुके हैं लेकिन संजू सैमसंग के ऊपर अभी भी कोई भी अपडेट नहीं है जी उनकी तरफ से कोई भी अपडेट निकल के नहीं आई है अगर कुछ अपडेट आती है तो मैं आपको बता दूंगा हमारी जो नेक्स्ट अपडेट आ रही है वो आ रही है महेंद्र सिंह से तो महेंद्र सिंह धोनी के ऊपर बड़ी अपडेट निकल के आ रही है मैं आपको बता दूँ कि जो महेंद्र सिंह धोनी उनका एक क्रिकेट अकेडमी चलता है अब उसको महेंद्र सिंह धोनी एक्सपांड करने वाले जी यहाँ तीन और स्टेट्स में वो एक्सपांड होने वाला है तेलंगाना आंध्र प्रदेश और कर्नाटक इन तीनों स्टेट्स में भी महेंद्र सिंह धोनी की जो अकेडमी है वो स्टार्ट होने वाली है जहाँ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि टू ईयर्स में ये जो पूरा स्टेडियम वो जो इनका अकेडमी होगा वो बन जाएगा अभी करेंटली इनके फिफ्ट अकेडमी चल रहे हैं और ये एक न्यू स्टेट में एंटर कर रही है जो बहुत ही अच्छी खबर वहां के क्रिकेटर्स के लिए रहने वाली है हमारे जो नेक्स्ट अपडेट आ रही है वारियर जो रूट के तरफ से जो जो रूट के तरफ से बड़ी अपडेट निकल के आ रही है उन्होंने पहली बार आई पी एल दो हज़ार इक्कीस के ऑप्शन के ऊपर रिएक्ट किया है जहाँ पर उन्होंने यही ये कहा है कि ऑप्शन से बाहर होना जो था उनके लिए टफ डिसीजन था वो नहीं चाह रहे थे कि वो ऑप्शन से बाहर हूँ क्योंकि आपको पता है कि वर्ल्ड कप दो हज़ार इक्कीस में आने वाले टी ट्वेंटी फॉर्मेट का वर्ल्ड कप होकर मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिया में होने वाला है तो सभी प्लेयर्स के लिए इंपॉर्टेंट था कि इंडिया में टी ट्वेंटी फॉर्मेट का ज़्यादा से ज़्यादा क्रिकेट खेला जाए ताकि वो किन कंडीशन को समझ सके लेकिन जो रूट ने यह कहा कि वो नहीं चाहते कि उनके ऊपर इतना प्रेशर बने और के वजह से वो ऑप्शन से बाहर हुए हैं अब आपको क्या लगता है अगर वो ऑप्शन में आते हैं तो कौन सी उनको पिक कर सकती थी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना हमारी जो नेक्स्ट बड़ी अपडेट आ रही है वो आ रही है आर सी बी की तरफ से तो आर सी बी की टीम की तरफ से बड़ी अपडेट निकल के आ रही है आपको पता होगा मनोज तिवारी के बारे में तो उन्होंने आर सी बी के ऊपर रिएक्ट किया ए जो प्लेयर कोई भी प्लेयर वो ऐसे रियक्ट नहीं करता हो सकता है कि आर सी बी टीम ने उनको कॉन्टेक्ट किया हो और हो सकता है वो इस बार उनको ऑप्शन से बाई करने वाली होगी उनको मेरा ऑर्डर बैठ की दरकार है और वो अच्छे ऑप्शन रहने वाले हैं जहाँ पर उन्होंने ये कहा है कि जो आर सी बी की टीम है वो ऑप्शन में हमेशा गुड कॉम्बिनेशन को नहीं ढूंढ पाती है दो हो बीस का उन्हें बात कर उन्हें यह कहा कि जॉर्ज फिलिप जो थे उनको ज़्यादा मौका नहीं मिला जो क्रिस मॉन्स थे वो इंजर्ड हो गए थे और एर इन फील्ड पर नहीं चल सके इसी के वजह कही से कहीं ना कहीं आर हमेशा फर्स्ट है उनका यह कहना है कि एक बैलेंस क्वार्ट की आर को दरकार है जो होप इस साल उनको मिल जाएगी हमारे नेक्स्ट अभी डायरेक्ट क्रिकेट साउथ अफ्रीका की तरफ से तो आपको पता है कि साउथ अफ्रीका वर्ष पाकिस्तान के बीच एक सीरीज होने वाली है जो कि सिक्सटीथ अप्रैल को ख़त्म होगी जी हाँ उसके बाद अगर वो प्लेयर्स आईपीएल के लिए आते हैं तो उनको टू वीक्स का क्वारंटाइन झेलना पड़ेगा यानी कि फर्स्ट में के बाद वो आईपीएल खेल पाएंगे और वो मेजोरिटी ऑफ द आई को मिस कर सकते हैं जी क्रिकेट साउथ अफ्रीका की तरफ से काफी सारी टीम्स को बहुत ही बड़ा झटका लगा है जहां पर मैं आपको बता दूं कि आई पी के ऑप्शन में कुल फोर्टीन साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स रहने वाले हैं जिसमें सेवन ऑलरेडी जो है वो टीम्स अटेंड कर चुकी है सीएस के ऑलरेडी दो प्लेयर आईपीएल खेल रहे हैं आर को फर्क नहीं पड़ेगा कोई ए बी डी तो नहीं खेलने वाले हैं और कहीं ना कहीं काफी बड़ा झटका जो है वो क्रिकेट साउथ अफ्रीका की तरफ से आईपीएल को दिया गया है हमारे जो नेक्स्ट अपडेट आ रही है वो आ रही है आई पी के ऑप्शन के

आपको पता है कि उनके पास 62.2 टू पॉइंट है और इसमें से उनको 33 थ्री सी तो इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा और वो काफ़ी कम प्लेयर को उनको खरीदना है तो किंग्स इलेवन पंजाब की रणनीति ऑप्शन में काफ़ी बड़ी हो सकती है देखते हैं कि किंग्स इलेवन पंजाब की तरफ से क्या एक्शन निकल के आता है हमारी जो नेक्स्ट अपडेट आ रही है वो आ रही है चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से तो सी एस के तरफ से बड़ी लीक निकल के आ रही है जी उनकी तरफ से एक बड़ी हिंट निकल के आ रही है जहाँ पर अभी की जो अपडेट उन्होंने कंफर्म किया गया तो चेन्नई सुपर किंग्स की टीम है वो ऑक्शन में स्टीव स्मिट को खरीदने वाली है जी हाँ मैं आपको बता दूँ कि जो कुछ फैंस है वो तो स्टार्टिंग से डिमांड करे थे कि तो चेन्नई सुपर किंग्स की टीम है उसमें स्टीव स्मिट आ जाए लेकिन हालाँकि हम लोग ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला था पर जो चेन्नई सुपर किंग्स का सेटअप है वो आप जानते हैं कि उसमें वो एक्सपीरियंस प्लेयर खरीदती है और आपको पता है कि जो स्टीव स्मिट है वो कितने एक्सपीरियंस के आते हैं टीम में ऐसे बैकअप काम कर सकते हैं

थी आज के सारे के सारे न्यूज एंड अपडेट्स अभी के लिए वीडियो के लिए से इतना ही तब तक के लिए थैंक यू गुड बाय एंड टेक केयर